26 जनवरी गणतंत्र दिवस अमर रहे अमर रहे अमर रहे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस अमर रहे अमर रहे अमर रहे बेनवासी बेनवासी दादा मरकाम अमर रहे अमर रहे अमर रहे बेनवासी दादा मरकाम अमर रहे अमर रहे अमर रहे समस्त शहादत क्रांतिकारी व्यक्ति अमर रहे अमर रहे अमर रहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद 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 गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो साथियों आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है जो कि पूरे भारतवर्ष में पूरे राज्य में पूरे स्टेट में पूरे जिला में पूरे ब्लॉक में एवं गांव कस्बा इत्यादि सभी जगह जो है आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह में हर्ष उल्लास के साथ इस भारत देश के वासियों ने आज मना रहे हैं साथियों। और यह 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज के ही दिन इस भारत में हमारे बुद्धिजीवी लोग प्रमुखों ने और बाबा भीमराव अंबेडकर मिलकर के सभी साथियों ने यह भारत का एक संविधान निर्माण किया जिस संविधान से जो है आज पूरे भारतवर्ष के वासियों ने उस संविधान के तहत चल रहे हैं साथियों। और इस संविधान का पालन करते हुए सभी भारतवासी जो है आज के दिन 26 जनवरी 1950 को आज भारत में संविधान लागू नियम लागू किया गया और इस नियम को परिपालन करते हुए जो है हमारे भारतवर्ष के सभी वासियों ने पालन कर रहे हैं। हम भी एक संविधान के दायरे पर आकर के हम भी यहाँ एक वक्तव्य कर रहे हैं साथियों। तो इस संविधान में जो है हर समाज के लोगों को यह संविधान अपना हक अधिकार और सुरक्षित जीवन जीने का हक देता है। धर्म संस्कृति भाषा बोली इत्यादि हर प्रकार के जो है इसमें अधिकार हर वर्ग के लोगों को जो है इस संविधान से प्राप्त हुआ है साथियों। और बड़ा दुखद की बात है जो कि आज इस संविधान में हमारे आदिवासी भाइयों के लिए इस संविधान में भारत के संविधान में आधा से ज्यादा हक अधिकार हमको मिला है और इस संविधान में लिखा गया है हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा। लेकिन बड़ी दुख की बात है साथियों कि हमारे जो है इस आदिवासी समाज को पूर्ण रूप से संविधान का हक अब आज तक प्राप्त नहीं हुआ। साथियों सत्ता सरकार जो है अपने संसद में पास तो कर दिए लेकिन क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं। जैसे पैसा एक्ट
लागू हो चुका है 1996 के तहत, लेकिन सरकार आज तक पेशा एक्ट के सही नियम अपने राज्य सरकार में लागू नहीं किया है। और जब तक के लागू नहीं करेगा तो हम कैसे उस नियम का फॉलो करेंगे। तो साथियों, इन गंभीरता और सोचनी बात है हमारे समाज के लिए, जो कि आज बेदखल हो रहे हैं। हमारे समाज जो है पीड़ित है, हर एक कह जाए समस्याओं से जो है जुटे हुए हैं। सरकार कहती है कि भारत देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन मैं तो कहता हूं कि भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि 258 रियासत के राजघराने हमारे आदिवासी आज शोषित पीड़ित और इस जंजीर में फंसे हुए हैं। कहने से नहीं होगा, जब तक के धरातल पे संविधान के नियमावली को लागू नहीं करेगा सरकार, तब तक के हमको सही न्याय मिलने वाला नहीं है। साथियों, आज यह जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, लेकिन आज तक 75 वर्ष वगांठ हो रहा है हमारा, लेकिन आज तक हमारे आदिवासी के हित में जो है जो संविधान में लागू है, उस संविधान के लागू को हमारे स्टेटमेंट सरकार जो है उसको हमारे लिए क्रियान्वयन नहीं कर रहा है, कानून नहीं बना रहा है। साथियों, इसलिए जो है पेनवासी दादा मरकाम जी ने समग्र विकास क्रांति आंदोलन छेड़ा है इस भारत देश में, और समता स्वतंत्रता, समता स्वतंत्रता और गोरवाना गणराज्य स्थापित करने का आंदोलन छोड़ा है। इस आंदोलन के तहत हमको काम करनी पड़ेगी। साथियों, जब तक कि हम मरकाम जी का, आज भी वही हमारे पेनवासी दादा मरकाम के बदौलत हम एक मंच में जो है माइक पकड़ने लायक पहुंचे हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है जो कि आज हम यहाँ माइक पकड़ के दो शब्द आप लोगों के बीच में जो है स्पीच कर रहे हैं। साथियों, तो मेरा मानना है आज 70 साल तक हमारे कांग्रेस पार्टी ने राज किया, लेकिन आज तक आदिवासियों के एक भी हित में कार्य नहीं किया। ये सोचनी बात है साथियों, इसको हमें गंभीरता से सोचना है, हमारे बारे में सोचना है, हमारे आने वाले पीढ़ियों के बारे में सोचना है कि हमारे समाज किस दिशा और दशा से गुजर रही है। और आज भाजपा की सरकार वो भी अपना सत्ता निभा, लेकिन आज तक हमारे गोंडी संस्कृति इत्यादि हमारे बोली भाषा को मान्यता नहीं दिया। अभी हमारे भाई लोग ने बताया आर्टिकल 13(3) का और अनुच्छेद 19 का, जहां हमें पूर्ण रूप से अधिकार है अपनी भाषा और कल्चर को चलाने का और कहीं भी सभा व्यस्त करने का, लेकिन हमें वो अधिकार आज तक नहीं मिला। साथियों, हमने जो प्रतिनिधि चुन करके मुखिया भेजे हैं हमारे ही साथ आदिवासी लोग को, वो जो है एक गुलामगिरी चमचागिरी कर रहे हैं। साथियों, वो संसद में आवाज नहीं उठाते, आदिवासी होने के नाते भी वो अपने कल्चर, अपने कह जा बोली भाषा अस्तित्व के बारे में वो समझ नहीं पा रहे हैं, केवल चमचागिरी कर रहे हैं, लॉलीपॉप खा करके सरकार की निर्देश पे चल रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों कि हमें गोवाना गणतंत्र पार्टी को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम दल बल से और निष्ठावान जो है कर्तव्यवान हर
गांव में मिठाई खा जाओ, हर घर जाना है और आने वाले 2023 में गोवाना गणतंत्र पार्टी का सरकार बनाना है। साथियों, हमें पेनवासी दादाजी आज नहीं रहते तो आज कहा जाए इस देश में इस आदिवासी समाज के लिए कहे जाए आज तक बहुत ही मतलब स्थिति खराब हो चुका होता। साथियों, तो हमें निष्ठावान होकर के घर घर हमें जाना है, घर घर डंडा, घर घर झंडा हमें लगाना है। और जो हमारे जिला कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष महोदय और प्रदेश अध्यक्ष महोदय की जो अनुमति हमें अनुशंसा मिलती है उस अनुशंसा के आधार से जो है हमें कार्य करनी होगी। साथियों, अभी जो है ग्राम अध्यक्ष के साथ 5 पदस्थ नियुक्ति करने हैं, उसको एक एक गांव में एक एक दिन बैठ करके अपने निष्ठावान से उस कार्यक्रम को करेंगे। समय कुछ नहीं है, समय अब आने वाले 2023 के नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाली है। साथियों, तो समय कुछ नहीं है, हमें बैठ के रहना नहीं है, दादाजी को सपना को पूरा करना है हमें। तो हमें दादाजी जैसे अपने घर त्याग करके समय को हम बाहर में देंगे, यही मैं आप लोगों से आशा विश्वास करता हूँ कि गोवाना गणतंत्र पार्टी को हम कैसे सजग बनाएंगे और कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसके बारे में आप लोगों के जो है विचार हमें होना चाहिए। साथियों, मैं कहता हूँ कि हर जगह अभी तक के हर व्यक्तियों को कहा जाए, चाहे कोई भी वर्ग के हो, ST SC OBC कोई भी वर्ग के हो, हमें उन सबको अपने संवैधानिक अधिकार और उनके बारे में हमें उनको समझाना है, जहां बैठे वहां गुरुवाना की बात करना है। साथियों, तब जाकर के जो है हम दादाजी का जो है सपना को पूरा करेंगे। और हमें दादाजी के सपना को पूरा करना ही है, और जब तक के हम सत्ता पे नहीं पहुंचेंगे तब तक के हमारे समाज और हम और यहाँ के भारत के प्रबुद्ध मूल निवासी जो है स्वतंत्र नहीं है। साथियों, आज भी स्वतंत्र नहीं है, कह दिए हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। आज तक आदिवासी लोग ST SC OBC लोग यहाँ के मूल निवासी लोग स्वतंत्र नहीं है। साथियों, ऐसे दलालों को हमें खदेड़ना है। साथियों, तुम्हें ज्यादा नहीं बोल करके इसी बीच जो है पेनवासी दादा मरका ममर रहे, गुणवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, गुणवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, सजोर पेंता, सजोर पेंता, बुढ़ाल पेंता। इसी और आशा के साथ में अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। जय गुणवाना, जय सेवा, जय फड़ापे।